हाय गाइस, तो आज के जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जावा फुल स्टैक डेवलपर। तो मतलब जावा में कैसे एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके कैसे कौन सा पाथ आपको फॉलो करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी आपको सीखना है, किसके बाद कौन सा टेक्नोलॉजी आपको सीखना है, वही मैं आज आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली एक फुल स्टैक डेवलपर क्या होता क्या है। एक्चुअली में जो फुल स्टैक डेवलपर होता है वो कई तरीके के होते हैं, तो मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो जावा के फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है और कैसे बनना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखना है, उसी के ऊपर बात करूंगा। लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एक जावा फुल स्टैक डेवलपर, उसी तरीके से वेब का भी वेब फुल स्टैक डेवलपर, या फिर कोई भी मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी में उसी टेक्नोलॉजी का अपना अपना मतलब फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। तो जावा का एक फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है, तो उससे पहले पहले हम लोग जानते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, फुल स्टैक डेवलपर इज एन इंजीनियर हु कैन हैंडल ऑल द वर्क ऑफ डेटाबेस, सर्वर, सिस्टम इंजीनियरिंग एंड क्लाइंट्स। तो इसी में जो मैं बोल्ड किया हूँ, जो जिस सेंटेंस को, जो वर्ड को मैं बोल्ड किया हूँ उससे गौर कीजिए, उसको देखिए अच्छे से कि एन इंजीनियर हु कैन हैंडल ऑल द वर्क ऑफ डेटाबेस, सर्वर, सिस्टम इंजीनियरिंग एंड क्लाइंट। मतलब जो कि एक ऐसा डेवलपर, एक ऐसा इंजीनियर जो कि हर चीज कर पाए एक प्रोजेक्ट में, जैसे कि डाटाबेस से लेके मतलब सिस्टम रिलेटेड, सर्वर रिलेटेड, फिर डेवलपिंग, जो प्रोग्रामिंग, हर चीज जो कर पाए उसको एक फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। और ये आजकल बहुत डिमांड में है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सब मतलब एक कंपनी अगर एक प्रोजेक्ट है उसके पास, तो हर हर चीज के लिए वो एक दूसरा दूसरा मतलब आदमी रखता, दूसरा दूसरा वो रिसोर्स रखता था, जैसे कि डेवलपिंग के लिए दूसरा एक रिसोर्स, फिर जैसे कि सर्वर के लिए एक रिसोर्स, सिस्टम के लिए एक रिसोर्स, फिर डेटाबेस के लिए एक रिसोर्स। तो उनको बहुत सारा रिसोर्स रखना पड़ता था और उसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो और एक से पूछना पड़ता था, कि उसके काम के ऊपर डिपेंड करना पड़ता। तो अभी ऐसा हो गया है कि मतलब अभी डिमांड ये है, मतलब इंडस्ट्री में ये डिमांड है कि एक ही पर्सन हर चीज कर पाए। तो वही चीज को, वही उसी पर्सन को हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ए फुल स्टैक डेवलपर इंजीनियर हु कैन हैंडल ऑल द वर्क ऑफ डेटाबेस, सर्वर, सिस्टम इंजीनियरिंग एंड क्लाइंट, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट व्हाट कस्टमर नीड, मे बी ए मोबाइल स्टैक, ए वेब स्टैक और नेटिव एप्लीकेशन स्टैक। तो इसमें मतलब एक फुल स्टैक डेवलपर मतलब वो हर चीज, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट तक को हर फेज में उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, हर स्टेप में उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जावा में एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है। ये देखिए, जावा में फुल स्टैक डेवलपर के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, कैसे सीखना पड़ेगा और क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप जावा में फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जावा की, जो चार मेन चीज यहाँ पे मैं लिस्टिंग किया हूँ, जेएससी, जेई, जो कि जावा का प्रोग्रामिंग है, जो कि मतलब बेसिक्स है, कि ये इसके बिना आप जावा में हो ही नहीं सकते हो फुल स्टैक डेवलपर, क्योंकि यही यही ही मेन चीज है। मतलब जावा ही आपको ना है तो आप बनोगे कैसे जावा फुल स्टैक डेवलपर। तो ये है, उसके बाद फ्रेमवर्क को सीखना पड़ेगा, फिर डाटाबेस है, वेब रिलेटेड है, और इसके बाद भी और सारा बहुत सारा चीज है जो मैं आपको बताऊंगा द एंड ऑफ द वीडियो। बट नाउ लेट डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज जेएससी एंड जेई। तो ये जेएससी और जेई जो है ये कोर है, मतलब जावा, अगर आप जावा में आगे बढ़ना चाहते हो, आप जावा में करियर करना चाहते हो, तो ये जैसे कि हम लोग जैसे कुछ भी कैलकुलेशन या फिर कुछ करने के लिए हम लोग को पहले नंबर सिस्टम सीखना पड़ेगा, 0 to 9 ऐसे ही, या फिर कोई सेंटेंस या फिर कोई वर्ड फॉर्मेशन करने के लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा, पहले ऑल द अल्फाबेट से ऐसे लेके जेड तक हमको सीखना पड़ता है। उसी तरह से अगर आपको जावा में आगे बढ़ना है तो आपको जेएससी और जेई आना ही आना चाहिए, और वो सिर्फ आना नहीं, मतलब बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि आप 0 से 9 काउंट नहीं कर पाओगे तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। उसी तरह से अगर जेएससी और जेई ये अगर आपको पता नहीं है तो आप जावा में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये जेएससी जेई जो है उसमें कौन कौन सा टॉपिक है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और किसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जेएससी जेई ये जो है जावा का, एक्चुअली में जावा का 3 वर्जन होता है, जेएससी, जेई और जेएमई। तो ये जेएससी मतलब जावा टू सर्व, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, जेई मतलब जावा टू एंटरप्राइज एडिशन, और एक जेएमई होता है जावा टू माइक्रो एडिशन। सो उसको हम लोग अभी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो यूज में नहीं आता है। तो ये दोनों को मैं आपको बताता हूँ जेएससी और जेई में क्या है। तो जेएससी जो है वो पूरा टोटल कोर जावा आ जाता है, और कोर जावा और जेडीबीसी, ये जो दोनों चीज है, कोर जावा और जेडीबीसी, इसको
हम लोग जेएसई में काउंट करते हैं। तो अगर आप पहले सबसे आपको पहले एक फुल स्टैक जावा डेवलपर बनने के लिए, जावा में स्टार्टिंग करने के लिए आपको कोर जावा चाहिए। तो कोर जावा में फिर बहुत सारा सब टॉपिक आ जाता है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि ओप्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेडिंग, कलेक्शन, ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग क्लासेस के डिटेल्स और अदर बहुत सारा चीज है उसमें जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अगर कोर जावा, आप सबसे पहले अगर जावा में जा रहे हो तो कोर जावा स्टार्ट करना पड़ेगा, और कोर जावा बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मतलब ये जैसे कि 0 to 9 जैसे हमको बताया, काउंट करने के लिए कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए वो चाहिए, कि कोर जावा का तो हर टॉपिक में मतलब बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। उससे सबसे पहले आता है जैसे कि कोर जावा ऑप्स कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, और जो कि आजकल बहुत डिमांड में है, ना कि सिर्फ जावा, बहुत सारे ऐसे आगे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑप्स के बेस्ट पे ही बनाए गए हैं। तो आपको ओप्स में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जैसे ओप्स में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन और एनकैप्सुलेशन, ये चारों चीज आपको पूरा मतलब अपना मुंह में ही रखना पड़ेगा। ना कि सिर्फ थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली भी हर चीज आपको समझ के इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखा जाए तो कोर जावा का हर टॉपिक जो है, जो मैं लिस्टिंग किया हूँ, इसके बाद भी और बहुत सारा है, लेकिन ये जो जो मेन मेन टॉपिक है उसको मैं लिस्टिंग किया हूँ, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो इसको अच्छे तरह से मतलब थियोरिटिकली हो, प्रैक्टिकली मतलब कुछ भी करके, मतलब इसका बेसिक पूरा क्लियर, आपको फंडा क्लियर होना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। तो ये हो गया कोर जावा के ऊपर। फिर आते हैं जेडीबीसी। जैसे कोर जावा आप सीख लिए तो आप जेडीबीसी में आएंगे। तो जेडीबीसी होता क्या है, जावा डाटाबेस कनेक्शन के लिए यूज होता है। मतलब आपका जावा एप्लीकेशन है और उसको डाटाबेस का, विदाउट डाटाबेस